नमस्ते बच्चों, मैं कल्पना टीचर। आज हम आर्ट एक्टिविटी करेंगे, तो शुरू करते हैं। अभी हम कलरिंग करना सीखेंगे। कलरिंग में पहले स्क्रिबलिंग करना सिखाएंगे बच्चों को। इस तरह जो बच्चे कलर ज़्यादा दबा के करते हैं उन्हें प्लास्टिक क्रेयॉन देने हैं, और जो बच्चे हल्के हाथ से कलर करते हैं उन्हें ऑयल पेस्टल कलर देने हैं। तो इस प्रकार बच्चों को पहले पेपर पे कलर ऐसे स्क्रब करना सिखाना है। स्क्रब आने के बाद बच्चों को ऐसे बड़े आकार निकाल के देने हैं और उसमें कलर करना देना है। तो कलर करते टाइम उनको बोलना है आउटलाइन के अंदर कलर करना है, कलर बाहर नहीं जाना है। और थोड़ा बच्चों को बीच बीच में हाथ पकड़ के हेल्प करना है। इस प्रकार बड़े आकार में कलर करना सिखाना है। बड़े आकार में जब बच्चे कलर करना सीखते हैं उन्हें ऐसे छोटे आकार निकाल के देने हैं। इस प्रकार छोटे आकार में कलर करना देना है। छोटे आकार में कलर करना सीखने के बाद उन्हें वही आकार में दो कलर करने के लिए देने हैं। इस प्रकार फिर धीरे धीरे बच्चे अच्छा कलर करते हैं और उन्हें ऐसे बड़े चित्र निकाल के उसमें कलर करने देने, जैसे घर, पेड़, सिंपल सीनरी। अभी कलरिंग करने के बाद आगे जो बच्चों को शेप निकालने आते हैं, जैसे गोल, चौरस, त्रिकोण, तो उसके हिसाब से उन्हें छोटे छोटे चित्र सिखाना है। गोल के ऊपर से बलून, बॉल, सूरज, चेहरा, चौरस के ऊपर से घर, ऐसे इस प्रकार के अलग अलग चित्र उन्हें सिखाने हैं। ये आर्ट एक्टिविटी करने से बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, उनका मानसिक विकास होता है, उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और उन बच्चों को कलर से एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, उन्हें आनंद मिलता है। तो पालकों को ये एक्टिविटी बच्चों से करके लेनी है। धन्यवाद।